दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि चाइना हमेशा से सुर्खियों में बना रहता है, फिर चाहे वहाँ का खान पान हो या फिर उनके द्वारा फैलाई गई बीमारी। इसी वजह से चाइना के ऊपर बोला जाता है कि वहाँ पर चार पैर की कुर्सी और मेज को छोड़कर बाकी सब चीजें खाई जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना के कुछ ऐसे ही अजीब खानों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, स्नेक सूप। दोस्तों सांप जिन्हें देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, चाइना में वही सांपों का सूप बनाकर वहाँ के लोग बड़े ही चाप से खाते हैं और उन्हें इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि वो सांप इतना भी जहरीला क्यों ना हो, उन्हें बस अपना पेट भरना है। नंबर 2, मंकी ब्रेन। ये बात जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे कि चीन में बंदरों के दिमाग को भी खाया जाता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि वहाँ के रेस्टोरेंट्स में इसे लग्जरी डिश के नाम से पेश किया जाता है और वहाँ के कई लोग तो इसे ऑर्डर इसीलिए करते हैं कि वो वहाँ पर शो ऑफ कर पाए। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपसे ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना हो। नंबर 3, क्रोकोडाइल मीट। भैया अब तो हद ही पार हो गई, ये क्रोकोडाइल को भी नहीं छोड़े। अभी तक मैंने सुना था कि क्रोकोडाइल इंसान को खाते हैं, चाइना वाले तो क्रोकोडाइल को ही खाने लगे और वहाँ के लोग इसका मीट को इतने चाप से खाते हैं कि भाई साहब मैं क्या ही बताऊं। और यहाँ हम लोग अगर क्रोकोडाइल को देख ले तो खड़े खड़े पसीने छूट जाते हैं। क्यों, क्या कहना है आपका इस बारे में कमेंट करके बताइए। नंबर 4, बैट। हाँ हाँ भाई, मैं समझ रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कोरोना के टाइम की बात आ रही होगी। बट हाँ, मैं आपको बता दूं कि भाई ये छोटी छोटी आंख वाले चाइना के लोग अभी भी नहीं सुधरे, ये आज भी बैट का सेवन करते हैं। खैर, इससे हमें क्या लेना देना। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और अगर चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।